भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उनके लंबे जीवन की कामना की है। बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड की राज्यपाल थी। इसके जीवन की बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन बेहद कठिनाइयों एवं संघर्षों से भरा था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गई। उन्होंने रमा देवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वे अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम बालिका बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनकी बुद्धिमत्ता और गरीबों को हसीये पर पड़े लोगों की सेवा करने पर जोर एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी जीवन यात्रा करोड़ों लोगों को उम्मीद देती है। भारत उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रपति का समर्पण एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास और समाज के गरीब और हसीये के वर्गों के उत्थान के लिए आपका समर्पण सभी के लिए एक प्रेरणा है। मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ।